प्रिय बच्चों, कल हमने बैसिडियो माइकोटिना के विभाजन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम डिटेरो माइकोटिना के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डिटेरो माइकोटिना ऐसा ग्रुप है जिसमें हम उन कोकों को रखते हैं जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके के बारे में पता नहीं है, और जैसे जैसे डिटेरो माइकोटिना के अंदर जो कोक हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे उनको उनके जो रिलेवेंट ग्रुप है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो शुरू में इसे फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से ग्रुप बनाया गया था, फिर इसे डिटेरोमाइसिट्स के नाम पर बनाया था, फिर उसके बाद में इसको सब डिविजन लेवल पर अपग्रेड करके डिटेरोमाइकोटिना में बांट दिया गया। तो डिटेरोमाइकोटिना जो सब डिविज़न है उसको हम वापस तीन क्लास में ब्लास्टोमाइसिट्स, हाइपोमाइसिट्स और सिलोमाइसिट्स में बांटते हैं। तो जहाँ तक ब्लास्टोमाइसिट्स है तो ब्लास्टोमाइसिट्स में उन कोकों को रखा जाता है जिनमें कि जो डिवीजन है एसेक्सुअल उसमें बडिंग सेल्स बनते हैं, और बडिंग के द्वारा जो है कोक है अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। इनमें जो है स्यूडोमाइसिलियम पाया भी जाता है और एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन इनमें वेल डेवलप्ड माइसिलियम जो है जिसको हम कहते हैं वो नहीं पाया जाता। एग्जांपल इसका है यीस्ट और यीस्ट लाइक सेल्स, या जो ऐसे ग्रुप ऑफ फंगस हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। दूसरा था हाइपोमाइसिट्स। हाइपोमाइसिट्स में जो कोक हैं उनके परिचय में माइसिलियम वेल डेवलप्ड एंड एसिमिलेटिव, इनका जो है कोक जाल है वो पूर्ण विकसित और संरचनात्मक होता है, बडिंग सेल एब्सेंट, कलिकाएं कोशिकाएं प्राय नहीं पाई जाती हैं, माइसिलियम स्टराइल और बेयरिंग स्पोर्स डायरेक्टली और ऑन स्पोरोफोर। तो माइसिलियम या तो नपुंसक होता है, और यदि उसमें स्पोर्स बनते हैं तो वो स्पोरोफोर्स पर डायरेक्टली बन जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं स्पोरोफोर का तात्पर्य है कि कवक तंतु का वो हिस्सा जिसके ऊपर के स्पोर्स बनता है। पिकनीडिया और एसरविलाई एब्सेंट। पिकनीडिया जो है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, एसरविलाई फुलास स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर एसेक्सुअल एस्कोकार्प के एग्जांपल्स माने जाते हैं जो कि हाइपोमाइसिट्स के अंदर प्राय नहीं देखे जाते। अब इस हाइपोमाइसिट्स का जो आगे का फर्दर क्लासिफिकेशन जेनरा में किया गया, तो उनका जो जेनरा में क्लासिफिकेशन किया गया उसमें ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर चार जो क्राइटेरिया हैं उनके सीक्वेंस के बेसिस पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। पहला है सेकरडॉन स्पोर ग्रुप, दूसरा है जनरल अरेंजमेंट ऑफ कॉनिडिया, तीसरा है कलर ऑफ कॉनिडिया एंड चौथा है टाइप ऑफ कॉनिडियोजिनस सेल। तो सेकरडॉन समूह, दूसरा था जैसे कि कॉनिडिया की सामान्य व्यवस्था क्या है, किस तरह से पाए जाते हैं, तीसरा था कि कॉनिडिया रंगीन है कि रंगहीन है, और टाइप ऑफ कॉनिडियोजिनस सेल्स, इसका मतलब ये हुआ कि कॉनिडिया जिस भी स्ट्रक्चर्स पे पैदा होते हैं उसका प्रकार किस प्रकार का है। इनके आधार पर हाइपोमाइसिट्स को विभिन्न जेनरा में लिस्टेड किया गया है। अगर हम यहाँ पे इसका विस्तृत बात करें तो द सेवन सार्कोडन ग्रुप स्पोर्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है एमिरोस्पोरी। एमिरोस्पोरी को हम जब एक्सप्लेन करते हैं किसी फंगस को तो कैपिटल में ए कैपिटल, एम कैपिटल, ई कैपिटल, आर कैपिटल और ओ कैपिटल में लिखते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि कॉनिडिया सिंगल सेल्ड है,
मीन्स जो बनने वाले बीजाणु हैं एक कोशिकी हैं, स्पैरिकल ओवॉइड टू इलोंगेट, गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, लंबा अर्ध वृत्ताकार हो सकते हैं, और शॉर्ट सिलेंड्रिक या छोटे वृत्ताकार हो सकते हैं। अगर इस तरह का स्पोर मिलता है, कॉर्निडिया मिलता है, उसको तो हम एमिरोस्पोरी कहते हैं। दूसरा जो इसमें करैक्टर है वो डिडाइमोस्पोरी। डिडाइमोस्पोरी को हम डी कैपिटल, आई कैपिटल, डी कैपिटल, वाई कैपिटल, एम कैपिटल, ओ कैपिटल, डिडाइमो ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। इसका तात्पर्य है कि कॉर्निडिया अवॉइड टू ऑब्लॉन्ग वन सेप्टेट। जो इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो अंडाकार होंगे या लंबाकार होंगे, और उसमें जो एक पट देखने को मिलेगा। फ्रैगमोस्पोरी, पी एच आर ए जी एम ओ, ऑल कैपिटल, इनके अनुरूप इस ग्रुप में कॉर्निडिया ऑब्लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, टू टू मैनी सेपरेट, इनमें एक से अनेक कोशिकाएं या खंड हो सकते हैं, पट हो सकते हैं। ओनली ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट, और लेकिन इनमें केवल जो है अनुप्रस्थ पट ही पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य पृष्ठ नहीं पाए जाते। इस तरह के अगर ग्रुप ऑफ फंगस के कॉर्निडिया बन रहे हैं तो उसको हम फ्रैगमोस्पोरी में रखते हैं। डिक्टियोस्पोरी, डिक्टियोस्पोरी को शॉर्ट में डी कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल, टी कैपिटल, वाई कैपिटल, ओ कैपिटल, डिक्टियो लिखा जाता है। इसके करैक्टरिस्टिक देखें तो कॉर्निडिया ओवॉइड टू ऑब्लॉन्ग, अंडाकार से लंबाकार होते हैं, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा प्रेजेंट। लेकिन डिक्टियोस्पोरी है उसके अंदर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार के पट पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। उसके बाद है स्कोलेकोस्पोरी, शॉर्ट में इसको कहते हैं स्कोलेको, एस सी ओ एल ई सी ओ, ऑल कैपिटल्स, कॉर्निडिया थ्रेड लाइक और वर्म लाइक। स्कोलेकोस्पोरी में जो बीजाणु पाए जाते हैं वो पतले धागेनुमा या सिलेंड्रिकल होते हैं, वर्म जैसे कीड़े होते हैं उस तरह के दिखाई देते हैं। सेप्टेट और एसेप्टेट, ये पटिये या अपटिये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अगर इस प्रकार के कॉर्निडिया बनते हैं तो उसको स्कोलेकोस्पोरी कहते हैं। इसी तरह से हेलिकोस्पोरी, एच कैपिटल, ई कैपिटल, एल कैपिटल, आई कैपिटल, सी कैपिटल, ओ कैपिटल, शॉर्ट में इसको हेलिको लिखा जाता है। हेलिकोस्पोरी कॉर्निडिया स्पाइरली सिलेंड्रिकल, इसमें बनने वाले बीजाणु हैं वो स्नैक की तरह, सांप की तरह सिलेंड्रिकल में बेलनाकार होते हैं। सेप्टेट टू एसेप्टेट, ये सेप्टेट या एसेप्टेट दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। स्टारोस्पोरी, स्टेरोस्पोरी कॉर्निडिया स्टार शेप होते हैं, जैसे तारा होता है, तारे में पांच कोण होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर स्टेरोस्पोरी में बनता है। रेडियली लॉब्ड, और इनमें जो अगर देखा जाए तो किसी भी वृत्त के त्रिज्या वाला भाग है वो आपस में जुड़कर सेंटर से और लॉब बनाते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सैकार्डो स्पोर ग्रुप जो थे सेवन टाइप्स के, उनमें उनको कंसिडर किया जाता है क्लासिफिकेशन में। फिर दूसरा जो करैक्टर है वो फाइव टाइप ऑफ कॉर्निडियल अरेंजमेंट, कि ये जो कॉर्निडिया हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उस व्यवस्था के आधार पर भी इन्होंने आर्थ्रो कैटिनेट, जिसको शॉर्ट में ए आर टी एच आर ओ, आर्थ्रो कैटिनेट, कॉर्निडिया आर फॉर्म्ड इन चेन्स बाय द साइमल्टेनियस
और रैंडम फ्रेगमेंटेशन ऑफ आईबी। इस तरीके में जो कॉनिडिया जो बनते हैं वो कॉनिडिया एक के बाद एक साइमल्टेनियसली या फिर रैंडम मीन्स आवश्यकता अनुसार कभी भी कॉनिडियो फोर जो है हाइफा जो है उस हाइफा के ऊपर उसके टुकड़ों में टूटने से बनते हैं, फ्रैगमेंटेशन मीन्स उसके खंडों से बनते हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं आर्थ्रोकैटिनेट। आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है संधि, मतलब जहाँ जॉइंट है जहाँ सेप्टा है वहाँ से ये टूट जाएगा और उसके बाद में कॉनिडिया का स्वरूप बना देगा। ब्लास्टोकैटिनेट, इसको शॉर्ट में ब्लास्टो BLASTO ब्लास्टो कहते हैं। कॉनिडिया फॉर्म्ड इन चेन विद यंगेस्ट स्पोर एट द टिप एंड डिस्टल एंड ऑफ द, इस पतरे ब्लास्टो में कॉनिडिया एक चेन में बनते हैं जिसमें जो सबसे नया जो बीजाणु होता है वो हाइफी या कॉनिडिया फोर की टिप पे होता है और एक तरह से चेन के सबसे दूर वाले छिरे पर होता है। बैसोकैटिनेट BASO बैसोकैटिनेट, कॉनिडिया फॉर्म्ड इन चेन विद द यंगेस्ट स्पोर एट द बेसल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द चेन। इसमें जो चेन जस्ट अपोजिट टू ब्लास्टोकैटिनेट, जो आपका टिप पे होने की जगह ये आधार पर नया जो है बीजाणु होगा या कॉनिडिया होगा और जो ओल्डेस्ट होगा वो शीर्ष पे होगा। ग्लोइस्पोरिंग, कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड इन स्लिमी हेड और मासेस। ग्लोइस्पोरी जैसा नाम इंडिकेट करता है इसमें म्यूकस लाइक सिक्रेशन होता है, उस सिक्रेशन के अंदर इसको स्लिमी हेड कहते हैं मासेस कहते हैं उसमें कॉनिडिया बनते हैं। द रेस्ट इज सेटरी CETERY, कॉनिडिया नॉट इन चेन और स्लिम। इसमें न तो कॉनिडिया चेन में बनता है और न ही स्लिम में बनता है तो उसे हम सेटरी कहते हैं। इस प्रकार हम कॉनिडियल अरेंजमेंट के बेसिस पे आर्थ्रो ब्लास्टो बैसो ग्लोयो एंड सेटरी में बांट सकते हैं। कलर्स ऑफ कॉनिडिया तीसरा करेक्टर जिसके बेसिस पे हाइपोमाइसिट्स के जेनरा को बांटा जाता है उसमें कलर है। हाइलोस्पोरी HYALO हाइलो, सेल वॉल ऑफ कॉनिडिया हाइलाइन। इसमें जो कॉनिडिया हैं उसका जो रंग है कोशिका भित्ति का वो रंगहीन या कलरलेस होता है, हाइलाइन होता है। जबकि दूसरा जो है फियोस्पोरी PHAEO फियोस्पोरी, सेल वॉल ऑफ कॉनिडिया इज कलर्ड। इसमें फियोस्पोरी में जो कॉनिडिया हैं उनका कलर फुल होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इस प्रकार ये जो तीन ग्रुप हैं, पहला सार्कोडन स्पोर ग्रुप्स, दूसरा कॉनिडियल अरेंजमेंट एंड तीसरा कलर्स ऑफ कॉनिडिया के बेसिस पर हाइपोमाइसिट्स को डिफरेंट जेनरा में बांटा गया है। एग्जांपल के तौर पर एस्परजिलस को हम लें तो एस्परजिलस का जब क्लासिफिकेशन या डिटेल डिस्क्राइब की जाती है तो उसको कहा जाता है एमिरो बैसो हाइलो ऑब्लिक फियो। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो एमिरोस्पोरी का मतलब हुआ कि इसमें कॉनिडिया जो है सिंगल सेल्ड होंगे, स्पैरिकल होंगे, ओवोइड टू इलोंगेट और शॉर्ट सिलेंड्रिकल होंगे। दूसरा करैक्टर है कि बैसो, तो बैसो का मतलब है कि इसमें कॉनिडिया फॉर्म्ड इन चेन विद यंगेस्ट स्पोर्स एट द बेसल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द चेन। तो जो इसमें यंगेस्ट है वो सबसे फॉर्म चेन विद द यंगेस्ट स्पोर एट द बेसल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द चेन मीन्स सबसे आधारीय भाग पर जो है यंग बीजाणु मिलेगा और दूर वाले पे ओल्ड मिलेगा। तीसरा करैक्टर है इसका हाइलो और फियो,
इसका मतलब हाई लो ऑफ यू दोनों दिखा रहा है। इसका मतलब है इसका सेल वॉल की जो क्वांटिटियाँ हैं कि सेल वॉल है वो रंगहीन भी हो सकती है और सेल वॉल रंगीन भी हो सकती है। तो इस तरह से इस ग्रुप ऑफ फंगस में का जो एग्जांपल है वो है एस्परजिलस नाइजर, जिसको हम कॉलर रॉट ऑफ ग्राउंडनट कहते हैं। पेनिसिलियम अगेन एक दूसरा एग्जांपल जो इम्पॉर्टेंट है उसको ले लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो एमिरो का मतलब है एस्परजिलस की तरह ही इसके कॉनिडिया सिंगल सेल्ड होंगे, स्पैरिकल होंगे, ओवॉइड हो गए, इलोंगेट होंगे, शॉर्ट सिलेंडर के होंगे। दूसरा है बैसो का मतलब है इसमें भी जो है कॉनिडिया फॉर्म्ड इन चेन विद द यंगेस्ट स्पोर्स एट द बेसल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द चेन, मीन सबसे जो है यंगेस्ट जो है कॉनिडिया 4 के पास ही होगा। और उसके बाद हाइलो एंड फियो, इसका मतलब है कि इसमें भी जो कॉनिडिया बनेगा उसका सेल वॉल रंगीन भी हो सकता है और रंगहीन भी हो सकता है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम डिजिटेटम, इसको हम ग्रीन मोल्ड ऑफ साइट्रस डिजीज कॉज करता है। अब देते हैं अल्टरनेरिया को जैसा हम जानते हैं कि इसमें पहला करेक्टर है डिक्टियो। डिक्टियो को हम डिफाइन करें तो पाएंगे कि कॉनिडिया अवॉइड टू ऑबलॉन्ग बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा आर प्रेजेंट। इसका मतलब डिक्टियो स्पॉरी अगर है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल दोनों ही प्रकार के सेप्टा इसमें मिलेंगे। ब्लास्टो जैसे पहला था कि जो कॉनिडिया है फॉर्म्ड इन चेन विद यंगेस्ट स्पॉट एट द टिप और डिस्टल एंड ऑफ द चेन, चेन के सबसे आगे वाले हिस्से पे आपको यंगेस्ट स्पोर्स बनेगा और नीचे वाला आधार आपको ओल्डेस्ट मिलेगा। फियो का मतलब है कि कलरफुल होता है, तो जो भी आपके अल्टरनेरिया हैं उसके जो स्पोर्स बनेंगे वो कलरफुल बनेंगे। एग्जांपल है अल्टरनेरिया सोलेलाई, जो कि एले ब्लाइट ऑफ पोटेटो काज करता है। पायरिकुलेरिया, अगर पायरिकुलेरिया को देखें हम तो पायरिकुलेरिया जो जनरा है वो डिडाइमो स्पोरी ग्रुप में आता है। डिडाइमो का मतलब कॉनिडिया अवॉइड टू ऑबलॉन्ग वन सेप्टेट। कॉनिडिया इसमें जो बनेंगे वो अंडाकार या अर्धवृत्ताकार ऑबलोंग टाइप के होंगे, लेकिन उनमें एक पट पाया जाएगा। ये डिडाइमो टाइप के जो हैं स्पोर हैं। फ्रैगमो, डिडाइमो मतलब फ्रैगमो, इसमें डिडाइमो के साथ साथ फ्रैगमो टाइप के भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कॉनिडिया ऑबलोंग टू मैनी सेप्टेट, तो कई बार इसमें एक से अधिक सेप्टा भी पाए जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार के करेक्टर्स में देखने को मिलती है। फिर ये कहता है सेटरी। सेटरी का मतलब हुआ कि इसमें जो कॉनिडिया हैं वो न तो चेन बना के पैदा होते हैं और न ही म्यूकस टाइप के सिक्रेशंस में पैदा होते हैं। हाइलो और फियो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कॉनिडिया बनेंगे उनकी जो कॉनिडिया भित्ति है वो कलरफुल भी हो सकती है और रंगहीन भी हो सकती है। एग्जाम्पल है पायरिकुलेरिया ओराइजी, ये ब्लास्ट ऑफ राइस डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट जनरा की हम बात करें तो वो सर्कोस्पोरा है। अब सर्कोस्पोरा को हम देखें तो इसमें फ्रैगमो ऑब्लिक स्कॉलेको टाइप के कॉनिडिया मिलते हैं। तो फ्रैगमो में जैसा हम पहले जानते हैं कि कॉनिडिया ऑबलोंग टू मैनी सेप्टेट ओनली ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट, ऐसे हो सकते हैं। या फिर स्कॉलेकोस्पोरी मीन्स कॉनिडिया थ्रेड लाइक या वर्म लाइक हो सकते हैं और सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों ही टाइप इनके अंदर मौजूद हो सकता है, तो हम इसको स्कॉरोस्पोरा कहते हैं। और अगर ये आगे कहता है कि ये सिटेरी टाइप के होते हैं, इसका मतलब है कि इनके कॉनिडिया चेन नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल मिलेंगे और न ही स्लिम में बनते हैं। इनके जो कॉनिडिया हैं वो हाइलो और फियो दोनों ही करेक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब ये रंगहीन भी हो सकती है इनकी कोशिका भित्ति और रंगीन भी हो सकती है। नेक्स्ट है कर्वुलेरिया। कर्वुलेरिया का जब हम बात करते हैं तो इसमें ये फ्रैगमो टाइप के सार्कोडन ग्रुप ऑफ स्पोर्स बताते हैं, जैसा कि था कि इसका मतलब इसमें कि सेप्टा बनते हैं और ये इनमें केवल
ट्रांसवर्स सेप्टा ही पाए जाते हैं। सिटेरी, सिटेरी का मतलब हुआ कि इसके अंदर चेन नहीं बनती है। और फियो, फियो का मतलब है कि इसके जो स्पोर्स हैं वो हमेशा जो वॉल है वो रंगीन ही होंगी, इसका मतलब ये हाईलाइन नहीं है। एग्जांपल इसका है सर्कोस्पोरा, करवुलेरिया का एग्जांपल है करवुलेरिया पेनिसेटाई लीप स्पॉट ऑफ पर्ल ब्लेट, बाजरे पर आने वाले लीप स्पॉट इससे पैदा होते हैं, जबकि इससे पहले वाला सर्कोस्पोरा एचुटिकोला था उसमें टिक्का डिजीज ऑफ क्राउनट आता है। नेक्स्ट है ड्रेसलेरा। अगर ड्रेसलेरा को हम देखें तो ड्रेसलेरा भी फ्रैग्मो है। फ्रैग्मो का मतलब है कि इसके अंदर गोलाकार अर्ध लंबाकार, लेकिन इसमें जो है पट मिलेंगे, और पट कैसे होंगे, अनुप्रस्थ होंगे। सेटेरी का मतलब है कि इनके अंदर भी जो कॉनिडिया है वो चेन नहीं बनाएगा। और फ्यू का मतलब है कि इसमें भी कलर जो है फुल होगा। एग्जाम्पल है ड्रेसलेरा ग्रेमिनियम लीप स्ट्राइप ऑफ बार्ली। देन कम्स फ्यूजेरियम। अगर फ्यूजेरियम को हम देखें तो फ्यूजेरियम भी फ्रैग्मो है। फ्रैग्मो का मतलब है कि अंडाकार लंबाकार, और इसमें पट पाए जाते हैं, लेकिन पट केवल अनुप्रस्थ पट ही आते हैं। उसके बाद है ग्लोइयोस्पोरी कॉनिडिया प्रोड्यूस इन स्लिम हेड और मासेस। अगर फ्यूजेरियम के स्पोर्स को हम देखें तो ये स्लिम हेड और मासेस में पैदा होता है। हाइलो है, हाइलो का मतलब है कि इनके जो कॉनिडिया हैं उन कॉनिडिया के अंदर जो किसी प्रकार का कोई रंग देखने को नहीं मिलता है। एग्जांपल है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मा स्पेसी लाइकोपर्सिकाई विल टॉप टोमेटो डिजीज कॉज करता है। देन कम सर्कोस्पोरिडियम। सर्कोस्पोरिडियम को हम देखें तो इसके जो स्पोर्स हैं वो डिडाइमो और फ्रैग्मो ग्रुप में आते हैं। तो डिडाइमो कहता है कि कॉनिडिया अवॉइड टू ऑबलॉन्ग वन सेप्टा केवल मिलता है इसमें, जबकि फ्रैग्मो हुआ तो इसमें टू टू मैनी सेप्टो हो सकते हैं, इसका एक सेप्टा भी होते हैं, एक से ज़्यादा भी सेप्टा इसके अंदर हो सकते हैं। सेटरी कह रहा है इसका लग कॉनिडिया किसी चेन में नहीं बनते हैं और नहीं स्लिम में बनते हैं। हाइलो और फियो, इसका मतलब हुआ कि सर्कोस्पोरिडियम में बनने वाले जो कॉनिडिया हैं वो रंगहीन भी हो सकते हैं और रंगीन भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। इस प्रकार हमने देखा कि हाइपोमाइसिट्स में हम ऑन द बेसिस ऑफ थ्री करेक्टर्स द सार्कोडन ग्रुप ऑफ स्पोर्स कॉनिडियल अरेंजमेंट एंड कलर ऑफ कॉनिडिया के बेसिस पे विभिन्न प्रकार के जेनरा में बांटते हैं। इसके अलावा एक स्टेराइल जेनरा होता है, उसमें राइजोक्टोनिया सोलेनाई रूट रॉट ऑफ कॉटन एंड स्क्लेरोशियम बटाटिकोला रूट एंड स्टेम रॉट ऑफ सिसमम को डाला जाता है। इस प्रकार हम हाइफोमाइसिट्स को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद तीसरी क्लास है सिलोमाइसिट्स। अगर सिलोमाइसिट्स को हम ड्यूटेरोमाइकोटेन आके देखें तो माइसिलियम वेल डेवलप होता है, एसिमिलेटिव बडिंग सेल्स जो हैं कायिक बडिंग सेल्स नहीं पाई जाती हैं, स्पोर्स इन पिकनीडियम और एसरुलस। तो इस ग्रुप ऑफ फंगस में जो फलनकाय पिकनीडियम या एसरुलस जो कि एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हैं उनके अंदर बनते हैं। इनको वापस दो ऑर्डर्स में हम बांट सकते हैं, मिलानकोनियल्स एंड स्पेरोसाइडल्स। मिलानकोनियल्स को हम देखें तो इसमें फ्रूटिफिकेशन आर एसरुलाई, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कॉनिडिया और कॉनिडियोफोर बनेंगे वो एसरुलाई बनेंगे। एसरुलाई क्या है, एक तरह से फ्लैट सोसर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में माइसिलियम एग्रीगेट हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है कॉनिडियोफोर बनते हैं, और बीच बीच में स्टेराइल स्ट्रक्चर भी बनते हैं जिनको हम सीटी कहते हैं। ये एसरुलाई का करेक्टरिस्टिक है। इसमें जो फैमिली आती है वो मिलानकोनियेसी आती है, और जेनरा अगर हम देखें तो कॉलिटिट्रेकम जो कि बहुत फेमस जेनरा है, अधिकांश एंथ्रोक्नोज वगैरह स्पोर्ट्स जितनी डिजीज देता है वो कॉलिटिट्रेकम देता है। अगर हम देखें तो
इसमें एसरुलस सीटोज टाइप का होता है, सब क्यूटिकलर मीन्स अर्ध जो आपकी क्यूटिकल वाला हिस्सा है उसमें घुसा होता है, एपिडर्मल और सब एपिडर्मल, कभी कभी ये उपत्वचा और उपत्वचा के भीतर देखने को मिलता है, कॉनिडिया सिलेंड्रिकल और फाल्केट, जो कॉनिडिया बनते हैं वो इसमें गोलाकार भी बन सकते हैं और फाल्केट का मतलब है कि अर्धचंद्राकार या हंसिए की तरह के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एन एपिकल अपेंडेज इन पर ऊपर के किसी प्रकार के इन संरचनाओं में जो फ्रूटिफिकेशन है उसमें उपांग नहीं पाए जाते। इसका एग्जांपल है कॉलिटिट्रेकम फाल्केटम और ये रेड डॉट ऑफ सुगरकेन कॉज करता है। दूसरा जो ऑर्डर था सिलोमाइसिट्स का वो था स्पैरोसाइडल्स, स्पैरोसाइडल्स फ्रूटिफिकेशन ऑफ पिकनिडिया और स्टोमेटा, इनका जो फूटिंग बॉडी है जिसमें कि ये कॉनिडिया बनेंगे वो या तो पिकनिडियल होंगे मीन्स गढ़े की आकृति के होंगे या स्टोमेटा मीन्स गुहा की तरह के होंगे, लेकिन ये एसरुलस टाइप के नहीं होते। इसका एग्जांपल है एस्कोकाइटा जनरा आता है, पिकनिडिया थिक वॉल ब्राउन, पिकनिडिया जो है मोटी भित्ती वाले भूरे रंग के होते हैं, कॉनिडिया 1-2 सेप्टेड जो बीजाणु कॉनिडिया बनते हैं वो 1-2 पटीय होते हैं, पेल ब्राउन इसका मतलब जो इनका रंग है वो पीले से भूरा रंग होता है। एस्कोकाइटा रेबी ग्राम ब्लाइट चने में ब्लाइट रोक देते हैं, बोट्राई डिप्लोडिया दूसरा जनरा है, बोट्राई डिप्लोडिया इसमें पिकनिडिया थिक वॉल डार्क ब्राउन होते हैं, कॉनिडिया 1 सेप्टेट होता है, 1 पटी होता है, डार्क ब्राउन विद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिएशन और भूरे रंग के लाइनिंग्स इसमें देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल है बोट्राई डिप्लोडिया का, बोट्राई डिप्लोडिया थियोब्रोमिंग, ये डाईबैक ऑफ मैंगो कॉज करता है। नेक्स्ट जनरा इसमें है फोमा, फोमा में हम देखें तो पिकनिडिया थिन वॉल्ड ब्राउन, कॉनिडिया हाईलाइन होते हैं, एसेप्टेट एपटी होते हैं, एलिप्टिकल टू ओवाइड अंडाकार होते हैं या एलिप्टिकल का मतलब ऐसी संरचना से है जो संरचना ग्लोब की तरह ऊपर से फ्लैट होती है। इसका एग्जांपल है फोमा एक्सिगुआ, ये पोटेटो में गैंग्रेन डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट जनरा है फॉर्मोप्सिस, फॉर्मोप्सिस में हम देखें तो स्ट्रोमा बनता है थिक वॉल या ब्राउन, जो स्ट्रोमा होता है वो मोटी भित्ती वाला भूरे रंग का होता है, कॉनिडिया हाईलाइन रंगीन होते हैं, फिल्ली फॉर्म्स होते हैं, सिग्मोइड और कारोड मुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जांपल है फॉर्मोप्सिस वेक्शेंस, ये फ्रूट रॉट ऑफ ब्रिंजल कॉज करता है। इस प्रकार हमने देखा कि डिटेरामाइकोटिना क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फंगस है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो है क्वकों को डाला जाता है जिनका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इस प्रकार हमने यहाँ क्वकों का क्लासिफिकेशन का एक प्रकार एक पैटर्न जो देखा जो कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन समझाने के लिए सफिशिएंट था। नेक्स्ट टाइम पर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।